Hello friends, I am Suraj and you are most welcome at our YouTube channel English Language. फ्रेंड्स यू नो कि हर किसी की लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बेस्ट फ्रेंड होता ज़रूर है लेकिन वो एक ही होता है। यस, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हम हमारे बेस्ट फ्रेंड को उसके बर्थडे पर इंग्लिश में किस तरह आसानी से मैसेज किया जाए कि ताकि वो आसानी से समझ भी ले और वो हम पर थोड़ा इम्प्रेस भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बर्थडे विश करने का एक बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव तरीका बताने वाला हूँ। हो सकता है सुनकर थोड़ा नॉर्मल लगे, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। आपको किसी को भी बर्थडे विश करने के पहले उसको ग्रीटिंग करना है। यदि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को मॉर्निंग में ही बर्थडे विश करते हो तो आपको ग्रीटिंग इस तरह से करना है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, जो आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है वो बोलना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि गुड मॉर्निंग राज, ओके। और आप नेम की जगह कुछ दूसरे वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को डूड बोलते हैं, डियर बोलते हैं और बडी बोलते हैं, तो नाम की जगह आप वो तीनों वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को भी बहुत इम्प्रूव करती है। तो आइए अब हम बर्थडे मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पूरा मैसेज इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन आपको हिंदी में भी बता दूंगा, ओके। सो फर्स्ट है, आई वॉन्ट टू से दैट टूडे इज स्पेशल डे बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड वॉज बोर्न। विश यू हैप्पी बर्थडे राज, यू आर जस्ट ऑसम। अब हम इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। आई वॉन्ट टू से दैट, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, टूडे इज स्पेशल डे बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड वॉज बोर्न, यानी आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड का जन्म हुआ था। विश यू हैप्पी बर्थडे राज, यानी राज तुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैंने तुझे वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि नॉर्मली हम अपने बेस्ट फ्रेंड को आप कहकर नहीं बुलाते हैं। और यू आर जस्ट ऑसम, यानी तू वाकई में शानदार है। तो इस तरह एक आसान मैसेज आप अपने बेस्ट फ्रेंड को सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है, आई एम ग्रेटफुल दैट यू आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, हैप्पी बर्थडे विशेज फॉर माई बडी। आई एम ग्रेटफुल दैट, मैं बहुत आभारी हूँ कि यू आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, यानी तुम मेरे लाइफ का एक हिस्सा हो। हैप्पी बर्थडे विशेज फॉर माई बडी, यानी कि मेरे दोस्त के लिए बर्थडे की शुभकामनाएं। और नेक्स्ट एक और आसान मैसेज आप इस तरह कर सकते हो, हे राज, गुड मॉर्निंग, आई विश यू जॉय ऑलवेज एंड फॉर एवर, हैप्पी बर्थडे डूड, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल फॉर बर्थडे पार्टी। इसका हिंदी मीनिंग होगा, आई विश यू जॉय ऑलवेज एंड फॉर एवर, यानी मैं तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुशी की कामना करता हूँ। हैप्पी बर्थडे डूड, यानी कि दोस्त, बर्थडे की शुभकामनाएं। और आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल फॉर बर्थडे पार्टी, यानी कि मैं बर्थडे पार्टी के लिए तेरे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, ये आप किसी भी मैसेज के बाद लिख सकते हो, ओके। अगला एक बहुत ही आसान मैसेज है, बेस्ट फ्रेंड्स नेवर नीड टू बी टोल्ड दैट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, सो आई डोंट नीड टू टेल यू राइट, हैव अ फैंटास्टिक बर्थडे बडी। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा, बेस्ट फ्रेंड्स नेवर नीड टू बी टोल्ड दैट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी सबसे अच्छे मित्र को कभी यह बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि वह सबसे अच्छा मित्र है। सो आई डोंट नीड टू टेल यू राइट, यानी तो तुझे भी यह बताने की आवश्यकता नहीं है, हैव अ फैंटास्टिक बर्थडे बडी, यानी कि तुझे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड लास्ट मैसेज है, हे राज, आई जस्ट वॉन्ट टू विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, आई एम सुपर ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। अब हिंदी मीनिंग देखते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, यानी मैं बस तुझे एक बहुत खुश जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एंड आई एम सुपर ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, यानी कि मैं बहुत आभारी हूँ कि तू मेरी लाइफ में है। सो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।